प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी स्पेशल पे अभी तक आप लोगों ने 23 वीडियो देख चुके हैं, ये हमारा यूपी स्पेशल का 24वां वीडियो है और उत्तर प्रदेश की जनजातियों के विषय में ये दूसरा वीडियो है। इसका जनजातियों का कुछ भाग इसके अगले वाले वीडियो में दिया गया था। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियाँ थीं, लेकिन विभाजन के बाद उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ बची, थारू और भुक्षा, भुक्षा को भुक्षा भी बोलते हैं, तो 2003 के पहले जो है उत्तर प्रदेश में 2 ही जनजातियाँ थीं, थारू और भुक्षा। 2003 में केंद्र सरकार ने 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया, अब इनकी संख्या 12 हो गई है। तो इस तरह से उत्तर ये क्वेश्चन यूपीपी से 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट भी है कि 2010 में कितनी जनजातियों को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया, तो 10 जनजातियों को शामिल किया। और कब शामिल किया 2003 में, ये भी क्वेश्चन आया, दोबारा आया है। 12 अनुसूचित जनजातियाँ प्रदेश के 19 जिलों में रहती हैं, 12 अनुसूचित जनजातियाँ प्रदेश के 19 जिलों में रहती हैं। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के 5 जिलों, ये 5 जिले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। तो एक बार फिर देख लीजिए, थारू जनजात उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में, तराई क्षेत्र के 5 जिलों में रहती हैं, ये जिले हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में पाई जाती हैं। इससे क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए 12 जनजातियाँ हैं, सभी जनजातियों के विषय में इतने बड़ा समूह नहीं है, उनका सबका अध्ययन किया जाए। जो प्रमुख जनजातियां हैं उन्हीं का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। तो थारू उत्तर प्रदेश की बड़ी जनजाति है, ज़्यादा संख्या मिलती हैं, इनका अध्ययन हम कर रहे हैं। ये किरात वंश के हैं, थारू किरात वंश के हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर के इस क्षेत्र में बस गए थे। तो दो मान्यताएँ हैं, ये किरात वंश के हैं और राजस्थान के राजपूताना क्षेत्र के थार मरुस्थल से आकर के यहाँ बसने के कारण ये थारू कहलाए। थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुख आकृति, पीले रंग के होते हैं। स्त्रियों पुरुषों से स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं, पुरुषों से स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं, बड़ी चोटी रखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थारू पुरुष क्या पहनते हैं, तो पहनते हैं लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, ये उनकी विशेषता है। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं, बड़ी चोटी रखते हैं। थारू स्त्रियां खूब श्रृंगार करती हैं, रंगीन लहंगा, चोली, बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण के साथ साथ शरीर पर गोदना गुदवाना काफ़ी प्रिय है, यानी टट्टू बनवाना इनको काफ़ी प्रिय है इनकी औरतों को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस जनजाति की औरतें गोदना गुदवाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो थारू जनजाति की हैं। इनका भोजन चावल है, दाल, दूध, दही तथा मछली मांस भी खाते हैं। चावल द्वारा निर्मित जाड़, ये चावल से एक मदिरा बनाते हैं जिसको जाड़ के नाम से जानते हैं, जाड़ नामक मदिरा वो ये खुद स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस जनजाति की प्री मदिरा को जाड़ कहते हैं, या जाड़ मदिरा किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है, या किससे बनाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये चावल से बनाई जाती है और ये सुअर और मुर्गी पालते हैं। थारू में संयुक्त व पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा पाई जाती है, ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, पिता प्रधान समाज इनमें पाया जाता है और परिवार में स्त्रियाँ स्त्रियों का वर्चस्व होता है। थारू स्त्रियां पुरुषों के भोजन की थाली पाँव से खिसकाती हैं। तो एक तरह से महिला प्रधान समाज की कुछ विशेषताओं को लिए हुए हैं,
किसी किसी बुक में दिया है ये मातृसत्तात्मक समाज इसमें पाया जाता है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, लेकिन हालांकि ये पितृसत्तात्मक समाज इसमें पाया जाता है। थारुओं में विवाह के लिए वर पक्ष को कन्या पक्ष के यहाँ जाना पड़ता है। तो जैसे आम विवाह में होता है कि कन्या पक्ष वाला वर पक्ष के यहाँ जाता है, लेकिन थारुओं में वर पक्ष वाला यानी लड़के पक्ष वाले लोग जो है कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं, जाना पड़ता है। विवाह बिना दहेज के पचपतियों यानी बिचौलियों के माध्यम से तय होता है। विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी, विवाह तय हो जाने को पक्की पोढ़ी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जनजात में विवाह तय होने को पक्की पोढ़ी कहते हैं, तो थारुओं में, थारुओं में विवाह को पक्की पोढ़ी कहा जाता है। विवाह रस्म का संपादन भर्रा, भर्रा एक तरह का पुरोहित इनमें हुआ करता है जो विवाह को संपादित करता है। तो विवाह रस्म का संपादन भर्रा पुरोहित, भर्रा या पुरोहित द्वारा कराया जाता है। मांसाहारी, मांसाहार का खूब इसमें इनमें विवाह में प्रचलन होता है। विवाह रस्म का थारुओं में विधवा विवाह की प्रथा है, थारुओं में विधवा विवाह की प्रथा है। और विधवा विवाह के भोजन का लटभरवा भोज कहा जाता है। विधवा विवाह के समय जो भोज दिया जाता है उसको लटभरवा भोज कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लटभरवा भोज किस विवाह को कहा जाता है, तो विधवा विवाह जो थारुओं में प्रचलित है। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं, थारू हिंदू धर्म को मानते हैं, देवी काली को अधिक मानते हैं। भैरव महादेव भी इनके आराध्य हैं, भैरव और महादेव भी इनके आराध्य हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर बांस का होता है। इनका शिवलिंग जो है, जैसे आम शिवलिंग जो है पत्थर के बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जो शिवलिंग होता है वो बांस का बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जनजात के शिवलिंग बांस के बने होते हैं, तो थारुओं के हैं, बांस का बना होता है। राम कृष्ण को भी मानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, थारू हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं। मकर संक्रांति होली, मकर संक्रांति होली, जन्माष्टमी, दशहरा और बजहर आदि त्योहारों को ये मनाते हैं। होली का पर्व फागुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक चलता है। होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक चलता है। होली के दिन स्त्री पुरुष दोनों मदिरा पीकर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को खिचड़ी नृत्य कहा जाता है। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि खिचड़ी नृत्य किस जनजातियों में प्रचलित है, तो थारुओं में प्रचलित है। वो भी होली के समय स्त्री पुरुष मदिरा पी करके करते हैं खिचड़ी नृत्य। बजहर नामक त्यौहार, बजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ या बैसाख के दिनों में होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बजहर त्यौहार किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये जो है थारुओं में प्रचलित है जो ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीने में होता है। मकर संक्रांति और दशहरा पर्व, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पीछे 2005 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। मकर संक्रांति और दशहरा पर्व थारू बड़े उल्लास के रूप में मनाते हैं और दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिससे रोटी कहा जाता है। तो रोटी किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए UPPCS UPSC या ये आपसे पूछ सकता है कि दीपावली को शोक के रूप में, हालांकि आ चुका है 2005 में, दीपावली को किस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों को रोटी भेंट करते हैं या रोटी क्या है। तो रोटी जो है दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को भेंट जो थारू द्वारा दी जाती है उसको रोटी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं, ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं। थारू जनजात के लिए एक महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में बनाया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है किस जनजात के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है।
थारुओं में अभी तक बदला विवाह, देखिए ये इम्पॉर्टेंट था, ये विवाह वाले में जो था थोड़ा सा छूट गया था। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, किंतु अब ये कम होती जा रही है। तो बदला विवाह ये प्रथा किन जनजातियों में थी? थारुओं में थी, लेकिन अब इसका चलन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आता है दूसरी उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है, प्रमुख जनजाति बुक्सा, या इसको भोक्सा भी बोलते हैं। ये खासतौर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में छोटी छोटी बस्तियों में पाई जाती हैं। तो बुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर ज़िले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। अधिकांश लोगों के अनुसार बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये किस परिवार से संबंध रखते हैं, या पतवार राजपूत घरानों से कौन सी जनजाति संबंध रखती है? तो बुक्सा है। लेकिन कुछ विद्वान इनको मानते हैं कि मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ यानी बिजनौर में आकर बस गए थे। तो दोनों मान्यताएं हैं, पतवार राजपूत भी इनको मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं मराठों द्वारा भगाया गया था इसलिए आकर के ये बिजनौर में बस गए। सामाजिक स्तरीकरण इनमें पाया जाता है। ब्राह्मण बुक्सा समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं। इसके बाद क्षत्रिय बुक्सा, आहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किस जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है? तो बुक्सा में पाया जाता है, जिसमें चार तरह का स्तर मिलता है, ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, आहिर बुक्सा और नाई बुक्सा। तो आगे देखते हैं, ये हिंदू जातियों के समान ही अंतर्विवाही होते हैं, यानी अपनी ही जातियों में विवाह करते हैं, अंतर्विवाही होते हैं, किंतु इनमें विवाह एक अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है। हिंदुओं के समान अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। अनुलोम विवाह इस तरह से है, ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, आहिर बुक्सा, नाई बुक्सा में से अगर अनुलोम तो वो है कि अगर ब्राह्मण बुक्सा का लड़का नाई बुक्सा की लड़की से विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह में अगर नाई बुक्सा का लड़का ब्राह्मण बुक्सा में विवाह करता है तो प्रतिलोम विवाह है, यानी अपने से ऊँचे में विवाह करता है तो वो जो है प्रतिलोम विवाह है। तो इस तरह से हिंदुओं के समान अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह के विवाह का प्रचलन इनमें है, और अंतर जाति विवाह भी इसमें होते हैं। विधवा विवाह प्रचलित हैं, तलाक आसानी से संभव इनमें होता है। इनके परिवार अधिकांश संयुक्त, विस्तृत तथा केंद्रीय परिवार होते हैं, और परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशी यानी पिता प्रधान समाज होता है इनमें। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जनजाति में चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी के रूप में मानी जाती हैं, तो बुक्सा जनजाति मानी जाती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं, इनमें बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है जो चार स्तरों में बटी है, तख्त, मुंशिप, दरोगा, सिपाही। तख्त, मुंशिप, दरोगा, सिपाही आदि के नाम से जानते हैं। और ग्राम पंचायत तीन स्तर के होते हैं, सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया, ये तीन स्तर का होता है। इसके बाद जो अगली जनजाति आती है, उत्तर प्रदेश की अगली जनजाति खरवार, इसको खैरवार भी बोलते हैं। ये खास तौर से प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि ज़िलों में निवास करती हैं, यानी ये खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, चंदौली में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि ज़िलों में मिलती हैं। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू, ये बिहार के पलामू ज़िला
18 हजारी क्षेत्र को माना जाता है। इनका खरवार का जो मूल स्थान है बिहार का पलामू जिला और 18 हजारी क्षेत्र को माना जाता है। इनका पतन मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा 1203 में किए गए आक्रमणों से हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कत्थे का व्यापार करते हैं, कत्था यानी जो हम एक तरह का पान मसाला के रूप में यूज करते हैं। तो इतिहासकार के अनुसार जो है ये कत्थे का व्यापार करते थे, जबकि कुछ इन्हें बिहार में सोन घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। सोन घाटी यानी सोन नदी का क्षेत्र। ये शरीर से बहादुर होते हैं, इनकी स्त्रियां भी पुरुषों की बात हिम्मती होती हैं। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानते हैं और इनमें जो देवता हैं जो देव माने जाते हैं दुल्हा देव, घनश्याम, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवता हैं। इसके अलावा वृक्षों में सेमनल, पीपल, नीम, जंतुओं में नाग और भिक्षु की पूजा करते हैं। इसके अलावा खरवार, जीवित पुत्रिका, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इन पर्वों पर नाचते गाते हैं एवं कर्मा नृत्य का आयोजन करते हैं। कर्मा नृत्य पीसीएस एग्जाम मेंस में 2005 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है। पीसीएस मेंस 2005 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। कर्मा नृत्य किस जनजातियों में प्रचलित है? तो ये खरवार में है, जो परों पे जो है नाचते हैं। इसके बाद आता है माहीगीर। माहीगीर यह जनजात प्रदेश के बिजनौर, देखिए बिजनौर में बुक्सा भी मिलती है और माहीगीर भी वहीं मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो यह जनजात प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती हैं ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है? तो वो है माहीगीर। यह मछुआरा जनजाति है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी जनजाति मछुआरा जनजाति है? माहीगीर है। माहीगीर जनजाति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस जनजाति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है? तो माहीगीर है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, ये मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार कर उनका भोजन करते हैं। ये लोग नीच जात के लोगों का छुआ भोजन नहीं करते हैं। इनमें सामाजिक भेदभाव एवं ऊंच नीच का भेद कम पाया जाता है। माहीगीर स्प्रिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं। माहीगीर जनजाति के लोग खड़ी हिंदी बोली से मिलती जुलती एक विशेष प्रकार की बोली प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए माहीगीर से क्वेश्चन कई जगहों से आ सकता है। पहली बात तो इस्लाम के अनुयायी हैं और इनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ये मछुआरा जनजाति हैं, तो यहाँ तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स भी जो है बना लीजिए, ठीक है? तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का 24वां वीडियो। धन्यवाद।